तलाक की कगार पर है ईशा देओल की शादी। धर्मेंद्र के दामाद का चल रहा है अफेयर। पत्नी को छोड़ गर्लफ्रेंड संग रह रहे हैं भरत तख्तानी। बेंगलुरु की लड़की ने तोड़ा आयशा का बसा बसाया घर। जी हाँ, सोशल मीडिया पर वायरल खबरों की माने तो ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी और गरम धर्म धर्मेंद्र की बेटी आयशा देओल की शादी तलाक की राह पर है। कई महीनों से अपनी माँ के घर पर रह रही हैं ईशा देओल। खबरों की माने तो ईशा देओल अपने पति भरत तख्तानी से अलग हो गई है, जिसकी वजह उनके पति का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बताया जा रहा है। इस खबर के आने के बाद से सोशल मीडिया पर हलचल बढ़ गई है। लोग भी जानने को उत्सुक हैं कि आखिर वो कौन लड़की है जिसके कारण धर्मेंद्र हेमा की लाडली का घर टूटा। हाल ही में एक सोशल मीडिया यूजर ने रेडिट पर एक पोस्ट शेयर करते हुए खुलासा किया कि ईशा देओल के पति भरत तख्तानी ने एक्ट्रेस को धोखा दिया है। यूजर ने पोस्ट में दावा किया कि भरत को न्यू ईयर पर बेंगलुरु में एक पार्टी के दौरान देखा गया था। पार्टी में वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ दिखे थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक बताया जा रहा है कि भरत तख्तानी की गर्लफ्रेंड बेंगलुरु में ही रहती है और भरत भी उसके साथ ही रह रहे हैं। यानी बेंगलुरु की एक आम लड़की ने भरत तख्तानी और ईशा के 12 साल पुरानी शादी तोड़ दी है। सोशल मीडिया यूजर ने अपने पोस्ट में ये भी बताया कि एक्ट्रेस ईशा देओल अपने पति भरत तख्तानी से अलग हो गई है। यही वजह है कि कपल पब्लिकली अब एक दूसरे के साथ नजर नहीं आ रहा। जाहिर है कि ईशा और उनके पति हर इवेंट में साथ दिखाई देते हैं। यूजर ने दावा किया कि भरत ने एक्ट्रेस को धोखा दिया है। हालांकि कपल की ओर से अब तक कोई ऑफिशियल बयान जारी नहीं हुआ है, जिससे ये साबित हो सके कि दोनों तलाक ले रहे हैं। ईशा की शादी का सच फिलहाल क्या है, ये वो ही बता सकती हैं। लेकिन इस सच से इनकार नहीं किया जा सकता कि ईशा देओल इन दिनों अपने पति के साथ नजर नहीं आती और ना ही लंबे समय से उन्होंने पति के साथ कोई फोटो शेयर की है। 2.5 महीने पहले ईशा देओल ने अपना बर्थडे मनाया था। 2 नवंबर को ईशा ने अपनी माँ और दोनों बेटियों के साथ अपना जन्मदिन मनाया था। उनकी बेटियां राधिया, मिलाया और अपनी माँ के साथ बहुत ही सादगी से ईशा ने बर्थडे मनाया था। ईशा के खास दिन पर पति भरत को ना देख लोगों ने इनकी शादी के बारे में बात करनी शुरू कर दी थी। इसके बाद 12 नवंबर को दिवाली का त्योहार भी ईशा ने अपनी दोनों बेटियों और माँ हेमा के साथ मनाया था। ईशा ने दिवाली पर बेटियों संग पूजा की थी और फिर माँ हेमा मालिनी संग उन्होंने तस्वीरें शेयर की थी। यही नहीं, इस साल हेमा मालिनी के 75वें बर्थडे की ग्रैंड पार्टी से भी भरत गायब रहे थे। इस मौके पर धर्मेंद्र समेत हेमा का पूरा परिवार मौजूद था, बस दामाद भरत नहीं पहुंचे थे। और उस वक्त भी ईशा और भरत की टूटती शादी पर चर्चा हुई थी। हालांकि इस बीच गौर करने वाली बात ये है कि साल 2013 में ही 29 जून को ईशा ने अपनी वेडिंग एनिवर्सरी पर पति संग रोमांटिक फोटो शेयर की थी। वहीं पिछले दिनों ईशा की छोटी बहन अहाना देओल ने अपनी जुड़वा बेटियों का बर्थडे मनाया था, तब वो उस पार्टी में मौजूद थे। उसके बाद से ईशा और उनके पति को साथ देखा नहीं गया है। ब्यूरो रिपोर्ट E24।